हेलो एवरीवन वन दिस वीडियो रिलेटेड अबाउट चैप्टर थ्री द टिश्यू दैट इज पार्ट फर्स्ट हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग विद न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर थर्ड द टिश्यू राइट ये जो चैप्टर दिख रहे हैं हम चैप्टर थर्ड द टिश्यू राइट हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनोटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सीरीज तो उसमें जो है मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ चैप्टर थर्ड द टिशू इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड थ्रू आउट द मेडिकल स्टूडेंटो एंड थ्रू आउट द फार्मेसी स्टूडेंट डी फार्म के लिए जो भी पी सी आई का सिलेबस आया है तो वो कुछ इस तरह से भी होंगे उसमें जो कंटेंट है तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं तो इसके पहले मैंने आपको वीडियो देखा था इंट्रोडक्शन एंड सेल का तो आइए अब देखते कि सेल के बाद में नंबर ऑफ सेल्स गैदर अदर टू फॉर्म अ टिश्यू नहीं जो भी अलग अलग सेल है भाई डिफरेंट मेनी सेल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ टिश्यू तो ये होगी एक जनरल uh, लैंग्वेज में मैंने आपको बोल दिया कि डेफिनेशन ऐसे होती है कि ग्रुप ऑफ जो बंच ऑफ ग्रुप ऑफ सेल जो है एक सेल दो सेल चार सेल पांच सेल उसका जो बंच जाता है बंच बन जाता है बन जाता तो अपन टिश्यू कहते हैं देन

ग्रुप ऑफ सेल है सेम ओरिजिन जी हाँ कोई भी एक सेम ओरिजिन होगा उसका राइट right? सेम एक ही जगह पे उसका सेम ओरिजिन होगा स्टार्टिंग एक ही जगह उसका जो सेम होगा देन स्पेसिफिक और कॉमन जनरलाइज फंक्शन उसका जो भी फंक्शन है तो वो कॉमन होने वाला है जैसे कि एब्जॉर्प्शन है डिस्ट्रीब्यूशन है तो कुछ उसका जो कॉमन फंक्शन होने वाला है राइट तो इट इज नोन एज अ टिश्यू तो अभी ये हमें मालूम चला कि ग्रुप ऑफ सेल अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ सेम ओरिजिन देन सिमिलर शेप स्पेसिफिक और कॉमन जनरलाइज फंक्शन इज नोन एज अ टिश्यू राइट जो भी टिश्यू है स्पेसिफिक रीजन में वो हो क्या होते ग्रो होते हैं उनका जो भी स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है शेप सिमिलर होता है उसका जो फंक्शन है कैरी आउट करना जैसे एब्जॉर्प्शन है डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सक्रेशन हो तो ये सारा फंक्शन भी क्या होता है कि सेम होता है राइट right? तो उसे कहते हैं हम टिश्यू तो ऐसे बॉडी में हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं राइट लाइक दैट वी आर डिस्कसिंग हेयर फर्स्ट वन इज दैट इपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू देन सेकेंड इज द कनेक्टिव टिश्यू देन थर्ड वन इज दैट नर्वस टिश्यू

आइए देखते हैं ये इन्लिमेंट्री टिश्यू क्यों इट इस वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी जो भी अपनी बॉडी है उसमें उसका फंक्शन बहुत सारा है राइट एपिथिलियर हो कनेक्टिव टिश्यू या नर्वस टिश्यू मस्कुलर टिश्यू हो राइट हर एक जगह पे उसका फंक्शन है राइट इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इन एवरी ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी दे हैविंग द वाइटल फंक्शंस राइट दे आर हैविंग द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थ्रू आउट द डेवलपिंग स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी सो इसका जो है रीजनल वाइज एस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फंक्शन है सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो इसलिए उसको एलिमेंट्री टिश्यू कहा जाता है कि ये चार टिश्यू जो है तो उसके ऊपर ही अपनी जो पूर्ण पूरी बॉडी है कंप्लीट बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एपिथेलियल टिश्यू जो भी पहला अपना टिश्यू है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री टिश्यू वो एपिथेलियल राइट सो so, आइए देखते हम वन बाय वन उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने उसका क्लासिफिकेशन दिया है राइट ना वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू राइट जितने भी फ्री सरफेस है बॉडी के जितने भी फ्री सरफेस है बॉडी की उसको कवर करने के लिए एफिथिल टिश्यू होते हैं राइट इट इज अ सिंगल अंगल पे उसका अरेंजमेंट हुआ होता है राइट लाइक दैट सो दिस इज द बेसमेंट बेसमेंट एंड ऑन दिस देयर इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ देयर इज अ अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ सेल इन अ सिंगल लेयर राइट और मल्टीपल लेयर भी होते हैं कुछ इस तरह से वो टिश्यू में अरेंज होते हैं और उसके ऊपर दो टाइप क्लासिफाइड हुए सिंपल एयर कंपाउंड जो सिंपल है वो सिंगल लेयर के होते सिंगल लेयर अरेंज ऑन द बेसमेंट ये जो बेसमेंट मेंबर के जो भी सेल है तो वो उस बेसमेंट मेंबर पे सिंगल लेयर में अरेंज होते सिंगल लेयर तो उसे कहते हैं हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड में कंपाउंड में क्या होता है कि अगेन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है राइट बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स अरेंज इन अ मल्टीपल लेयर मल्टीपल मल्टीपल लेयर राइट सो कॉमन जनरलाइज फंक्शन हैविंग द सिमिलर शेप साइज तो ये जो है तो उसे हम कंपाउंड एपिथिलियम टिश्यू कहते हैं सो दे आर द टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू सिंपल एंड कंपाउंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो उसका जो फंक्शन है वो एक्सक्रिएशन है डिस्ट्रीब्यूशन जो भी एक्सक्रिएशन होता है बॉडी में राइट देन इलिमिनेशन होगा राइट देन एक्सक्रिएशन देन सिक्रिएशन ग्लैंडोलर सिक्रेशन सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ एपिथिलियल टिश्यू राइट सो यू जो भी फ्री बॉडी सर्फेस पे वेर इज दैट लोकेटेड एपिथेल टिश्यू वेर इज दैट लोकेटेड जितने भी फ्री सर्फेस अभी अभी आपकी स्किन है तो जो भी स्किन है वो एपिथेल टिश्यू से बने हुए राइट दे कवर द फ्री सर्फेसेस ऑफ बॉडी दे कवर फ्री सर्फेसेस ऑफ बॉडी राइट आपकी स्किन ले लो स्किन में एपिथेल टिश्यू कवर किए हैं देन लाइनिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ इंटरनल जो भी स्टमक है या लार्ज इंटेस्टाइन है राइट right? तो वो जो भी लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू ने कवर की है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू एब्सॉप्शन एलिमिनेशन देन सिक्रेशन ग्लैंडुलर सिक्रेशन कहते हैं

प्रोटेक्शन राइट प्रोटेक्शन नाव देखिए आप यहाँ पे आपकी स्किन क्या करती है प्रोटेक्ट कर रही है आपके ऑर्गन्स को इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट है दूसरी बात है कि जैसे कि एब्जॉपशन कर रही है स्टमक में जो भी इपिथेल टिश्यू की लेयर है वो एब्जॉर्प्शन कर रही है एलिमिनेशन है जो किडनी है किडनी के पास जो भी इपिथेल टिश्यू प्रेजेंट है तो वो एलिमिनेशन के लिए काम कर रहे हैं देन सिक्रेशन ग्रैंडुलर सिक्रेशन जितने भी सिक्रेशन हो रही है सलाइवर सिक्रेशन है उसमें जो भी टिश्यू है तो वो इपिथेल टिश्यू है उसमें स्पेसिफिक सेल होते हैं तो वो सेल क्या करते हैं सिक्रेशन करते हैं सो दीज आर द इमोर्टेंट फंक्शन ऑफ इपिथिलियल टिश्यू राइट सो वर्स अगेन वी आर कमिंग टू वर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एपीथिलियल टिश्यू राइट सो हम देखते क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू टिश्यू में कौन सा क्लासिफिकेशन एपिथिलियल टिश्यूलियल टिश्यू डि टू सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू दो पार्ट उसको डिवाइड किया है सिंपल एंड कंपाउंड हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सिंपल क्यों कहा जाता है क्योंकि सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो भी सेल है वो सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं देन कंपाउंड लेयर्स अगेन बेसमेंट मेम्ब्रेन बट उस पे जो है वो स्टेप वाइज कंपाउंड उसे क्यों कहा जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल अरेंज ओवर द थी चौधर बट स्टेप वाइज पे अरेंज होते इसलिए उसको कंपाउंड कहते हैं नाउ सिंपल एपिथेल टिश्यू डिवाइडेड इनटू फाइव टाइप्स स्क्वामस एपिथेलियल सिंपल टिश्यू क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू उसे हम सिक्रेटरी uh, टिश्यू भी कह, कह सकते हैं Then, what is This, अभी हम डायग्राम देखेंगे राइट right? जो भी इस कॉमस है ये तो फिक्स है कि सिंगल लेयर पे अरेंजमेंट होता है तो आप लीजिए सिंगल लेयर आ गई यहाँ पे तो डायग्राम भी आपको बताना चाहता हूं कि सिंपल वेरी सिंपल आप देखिए दिस इज द मोजाइक मॉडल राइट दिस इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आप इसके अरेंजमेंट कहा होती है कहाँ प्रेजेंट होते हैं एलुओला ऑफ लंग्स जो भी लंग्स की एलुओला है सैक उसके हम एयर बैग कहते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं देन पेरिकार्डियल एंड प्लूरल कैविटीज पेरिकार्डियल जो भी हार्ट है हार्ट की जो भी कैविटी उसमें पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं देन प्लोरल कैविटीज ऑफ लॉन्ग्स राइट देन सो दीज आर द स्पेसिफिक पेरीटोनियल कैविटीज प्लूरल कैविटी तो इस जगह पे वो स्कॉमस सिंपलिपिटिल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड स्ट्रक्चर

इट इज अ प्रेजेंट इन द डिस ऑफ किडनी मीन्स डिजिटल कॉन्वलेटेड ट्यूबुलटेडिजिटल कॉन्वलेटेड ट्यूबल जो भी नेफ्रॉन होता है ना नेफ्रॉन में जो भी स्ट्रक्चर होता है डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुलिस बोलते हैं हम उसे डिजिटल कॉन्वर्ट ट्यूबुल वहां पर क्या होता है ए क्यूबॉडल टाइप के क्यूबॉडल टिश्यू प्रेजेंट होते क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते देन कॉलिमनार व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉलिमनार इपिथेलियल टिश्यू कॉलिमनार क्यों कहा जाता है उसे कॉलिमनार इपिथेलियम क्यों कहा जाता है बिकॉज इट इज अरेंज इन अ कॉलिमनार लाइक हाइटेड टॉलेस्ट स्ट्रक्चर ये यहाँ पे ली सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन ली तो यहाँ पे देखो अभी क्यूबाइडल स्ट्रक्चर दे आर अरेंज इन अ सिंगल लेयर क्यूबाइडल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइट है उसकी जो भी सेल अरेंज हो रहे हो हाइटेड सेल टॉलिस सेल जो है तो वो अरेंज हो रहे हैं सेल पे राइट सो दिस दिस टाइप्स ऑफ कॉलनार एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन लंग्स एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स राइट लंग्स में प्रेजेंट होते हैं या डक्ट्स ग्लैंड राइट जो भी ग्लैंड्स डक्ट ग्रैंड होते हैं उसमें डक्ट रहती हैं तो उस डक्ट के अंदर जो भी एक कॉलिमनार टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं राइट देन सिलेटेड कॉलिमनार एपिथेलियम सिलेटेड कॉलिमनार अगेन यही कॉलिमनार स्ट्रक्चर लेंगे हम राइट सिलेटेड 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 का मीनिंग होता है सिलाई राइट सिलाई मीन्स इट इज लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन और लाइक स्ट्रक्चर राइट सो अबाउट द कॉलम राइट सो सिलेटेड जो है तो किस तरह से दिखाई देंगे फिगर निकालता Again, basement membrane. Basement membrane है. तो उस पर कॉलम का स्ट्रक्चर निकाल दीजिए वेरी सिंपल देन आप देखिए दिस इज अलाय सिलाई स्ट्रक्चर इसे क्या कहता कहते हैं सिलाई राइट हेयरलाइक प्रोजेक्शन अब और दो कॉलम, राइट यहाँ पे बेसमेंट मीमरिन, इसे कहते हैं सिलेटेड इपितिलम। अभी ये जो माइक्रोएक्सप्लोसिय है ये कहाँ पे काम आती है कि जैसे अभी ट्रकिया है, राइट right? वाइन पाइप है, एयर पाइप है, तो उसमें से हमारी जो एयर आ रही है तो उसको आ, कुछ तो जो माइक्रो प्रोजेक्शन होते हैं तो वहां पे क्या होते हैं वो जो डस्ट है पार्टिकल है या बैक्टीरिया तो वो माइक्रोवेला के अंदर खींच लेते हैं या उसमें अटक जाते हैं राइट दे आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिल्टरेड फिल्टर ऑफ द ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड एयर जो भी ऑक्सीनेटेड एयर आती है तो उसको फिल्टर करने के लिए जो भी इन्वायरमेंट से डस्ट आता है थ्रू द रेस्परेशन तो उसको प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए बॉडी के लिए वो काम आता है सो दिस आर द दिलेटेड कॉलमिनर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट इन द ट्रक किया एरिया राइट ये हो गया सिंपल टर्म्स देन ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू सो इट इज प्रेजेंट इन ग्लैंड्स राइट इट इज लाइक दिस दिस टाइप ऑफ एंड दे आर हैविंग द टू टाइप्स यूनि सेलुलर और मल्टी सेलुलर इन नेचर राइट जो भी ग्लैंड uh, में प्रेजेंट होते, है, like right? so, होते हैं इट इज अ सर्कुलर इन शेप लाइक दैट ग्लैंडुलर इन शेप एंड दे हैविंग द फंक्शन टू सिक्रेटरी फंक्शन राइट सो सिक्रेटरी ग्लैंड जो होते लाइक सलाइवरी सलाइवरी हैं जितने भी सिक्रेटरी सेल है तो उसमें ग्लैंडोरल एपिथिलियर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं सो ग्लैंडोर एपिथिलियर टिश्यू दे हैविंग द स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सिक्रेशन जो भी सिक्रेशन होता है उस ग्लैंड से होता है सिक्रेशन right? राइट right? जो भी म्यूकस तो तो क्या करते हैं तो वहां पर म्यूकस सिक्रेशन के लिए काम करते हैं तो इस तरह से हमने देखे सिंपल इपरे टिश्यू नाउ वी आर डिस्कसिंग द

राइट right? तो ड्राई होने के बाद इट इज ड्राई बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन लाइक किरेटीन किरेटीन नाम का जो भी प्रोटीन वहां पर सेंसाइज होता है नाउ दे बिकम अ ड्राई ड्राई एंड हार्ड जो भी स्ट्रक्चर होता है एपिथेलियल टिश्यू का वो ड्राई एंड हार्ड होता है तो उसे हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं नाउ स्ट्रेटिफाइड जितने भी अभी सिंपल में जो दिखे हम या जो भी हमें उस तरह के होते हैं सिर्फ वो क्या होते हैं स्ट्रेटिफाइड होते हैं वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड एंड ड्राई होता है राइट सो हैविंग द बट इन मल्टीपल लेयर उसकी जो अरेंजमेंट रहती है तो वो मल्टीपल लेयर में होती है राइट right? सो so अभी हमने यहाँ पे सिंपल में देखा था कि सिर्फ सिंगल लेयर होती है सिंगल लेर होती है बट इन कंपाउंड देर इज अ मल्टीपल लेट ऑफ सेल जो भी सेल की हो मल्टीपल अरेजमेंट होती है ऑन द बेसमेंट में लाइक दैट दिस इज अ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स अरेजमेंट ऑन द पर्टिकुलर बेसमेंट तब जाके वो कंपाउंड एफिलाईट इश्यू बनता है सो right? so, यहां तक हमने देखा कि एपिथिलल टिश्यू राइट नाउ वी आर रिकॉल व्हाट इज टिश्यू इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल सेम शेप सिमिलर ओरिजिन कॉमन और जनरलाइज फंक्शन नोन एज द टिश्यू देन वी आर डिस्क्राइब आर द फोर एलिमेंट्री टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू है देन नर्वस टिश्यू है राइट देन कनेक्टिव टिश्यू है राइट एंड देन मस्कुलर टिश्यू ये जो है चार एलिमेटरी एलिमेंट्री टिश्यू है तो उससे बॉडी काफी Uh, जो भी है तो वो वेल well फंक्शन होती है वेल well डेवलप होती है इसलिए उसे एलिमेंट्री कहा जाता है नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ अभी ये चारों भी हम डिस्कस करने वाले वन बाय वन उससे पहले हमने लिया कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है भाई तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है कि एक सिंगल लेयर अरेंजमेंट होती है सेल की अरेंजमेंट ओवर द बेसमेंट मेम्रेन राइट एंड इट दे हैविंग द स्पेसिफिक फंक्शन लाइक एब्जॉर्बशन है देन उसका एलिमिनेशन है देन ग्लैंडुलर वाला सिक्रेशन एंड प्रोटेक्शन दिज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एपिथेलाइट टिश्यू राइट दे आर द टू टाइप्स क्लासिफिकेशन देखा हमने कि इट इज डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड कंपाउंड सिंपल में आगे देखा कि सिंपल क्यों कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे सिंगल लेयर सेल की अरेंजमेंट हुई होती है ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. कंपाउंड क्यों कहा जाता है कि मल्टीपल सेल अरेंजमेंट ऑन द बेसमेंट मेमरेट उसे कंपाउंड कहते हैं मल्टीपल सेल अरेजमेंट होती है ना यहाँ पे देखे क्या हमने की कौन से कौन से अलग टाइप के सिंपल एपिथेलाइट टिश्यू होते हैं ताकि एपिथेल टिश्यू जो है थी, जो भी फ्री सर्विस है बॉडी के वहां पे कवर करते हैं राइट right? या इंटरनल हो या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो बॉडी का यहाँ पे सिंपल देखे कि स्कॉमस एपिथेलियम टिश्यू है जो कि लाइक दैट फ्लैट एंड सेल जो है, है. Then, uh, तो अरेंज होते हैं देन क्यूबाडल देखिए तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होता है देन कॉलिमनार कॉलेम लाइक स्ट्रक्चर देन सिलेटेड सिले हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उस uh, का कॉलम पे राइट एंड देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्लैंडोलरिफी थी जो कि सेक्रेटरी ग्लैंड में होते हैं फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं राइट देन उसके बाद देखें कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड क्यों कहता है कि ओवर एंड ओवरेशन लाइक केराटिन केराटिन होता है तो ड्राई एंड हार्ड सर्फेस हो जाता है स्ट्रेटिफाइड कहते हैं अगेन इट इज डिडिंग टू कॉलम अकॉर्डिंग टू शेप दे आर डिडिंग टू दिस टाइप नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट और नेक्स्ट वीडियो इज रिलेटिंग अबाउट द सेकेंड कनेक्टिव राइट हम अगले जो वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स व्हाट इज़ कनेक्ट टिश्यू वेयर द इज़ दैट प्रेजेंट वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू तो ऐसे में एक एक कवर करने वाला हूँ तो टिश्यू के चार पार्ट बनने वाले हैं पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन एंड एपेथिलियल टिश्यू सेकेंड पार्ट में कनेक्ट टिश्यू थर्ड में नर्वस टिश्यू एंड फोर्थ में है मस्कुलर टिश्यू सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब मा वीडियो ताकि आपको नए नए वीडियो या मेरी ह्यूमन एनोटॉमी फिजियोलॉजी की सीरीज़ आपको देखने को लिए मिलेंगी